सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत 26 टू 30 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्या टॉपिक्स हुए थे उस समय, क्या ज्वलंत मुद्दे थे, क्या बर्निंग टॉपिक्स थे, इस पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन इतनी भी डिटेल में नहीं जाएंगे कि PhD कर लें। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि केवल उतने ही टॉपिक्स को कंसिडर करें और उतने ही सब टॉपिक्स को देखें जिससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। प्रीलिम्स क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने अपने पर्टिकुलर टॉपिक में PhD कर लिया। प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी तो मेंस लिख पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो प्रीलिम्स 2023 जो आने वाला है, बहुत ज़रूरी है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, स्पेशली इन द लास्ट ईयर ऑफ द 2022 एज वेल एज 2023, उन सारे टॉपिक्स पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। तो देखिए, जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसमें ये बात बताई गई है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के लेस देन 15% होंगे। यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होगी उसका 15% या उससे कम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। लेकिन गोवा में हाल ही के अंदर कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ 15% से एक्सीड हो गई है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या चीज़ कहता है। द नेक्स्ट थिंग इज योर करंट अफेयर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। देखिए, जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट में है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी है उसे कौन सेलेक्ट करता है, कौन नियुक्त करता है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि जो चांसलर होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय के, किसी भी राज्य के अंतर्गत, तो वो गवर्नर ही होते हैं, ठीक है। और जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। ये आपको पता रहना चाहिए कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। हो सकता है UPSC बोल दे कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है या लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, ये गवर्नर करते हैं वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज योर IT रूल्स 2021। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका IT रूल्स 2021। हाल ही में फ्रेम किए गए हैं तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या बात कही गई है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम स्थापित करना होगा। तो ये इनका फर्स्ट चीज है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम स्थापित करना होगा। जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स हैं, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की स्थापना करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फॉर्म्स आखिरकार होते कौन है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके सब्सक्राइबर्स बेस 50 लाख या उससे ऊपर होंगे। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि आखिरकार सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फॉर्म्स कौन से होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज योर न्यूज़ पब्लिशर्स जो होंगे उनके लिए एक लेवल ऑफ रेगुलेशन स्थापित किया जाएगा। ये होगा 3 levels ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। UPSC बोल सकता है 2 levels ऑफ रेगुलेशन है या ओनली 1 level ऑफ रेगुलेशन है प्रीलिम्स के एक स्टेटमेंट के अंतर्गत। आपको पता रहना चाहिए, नहीं, 3 levels ऑफ रेगुलेशन की बात कही गई है इन द IT रूल्स 2021। द नेक्स्ट इज योर सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपको पता रहना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। mRNA वैक्सीन पहले समझते हैं क्या है। देखिए, mRNA वैक्सीन जो होती है उसमें क्या किया जाता है कि आपके शरीर के अंतर्गत एक mRNA को ट्रांसफर किया जाता है, मैसेंजर RNA को, जो कि क्या करेगा, जो स्पाइक प्रोटीन होती है कोरोना वायरस के अंतर्गत, जो वायरस में स्पाइक प्रोटीन्स होती है उसे कॉपी करता है, उसे एनकोड करता है और आपके बॉडी को एक सिग्नल भेजता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करे ताकि उस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर mRNA वैक्सीन फंक्शनिंग। तो सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन क्या करती है। देखिए, सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन उस स्पाइक प्रोटीन को तो कोड करेगी करेगी, लेकिन साथ ही साथ 4 extra प्रोटीन को भी एनकोड करती है। यानी कि स्पाइक प्रोटीन के साथ साथ 4 different प्रोटीन्स भी एनकोड होते हैं जो कि उसे सेल्फ एम्पलीफिकेशन मैकेनिज्म को बढ़ावा देते हैं। यानी कि आपकी बॉडी में ही बार बार एम्पलीफाइंग रूप से प्रोटीन्स सिंथेसाइज होने लगे। तो ये चीज़ होती है सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन। आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि आखिरकार सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA और mRNA में क्या डिफरेंस है। सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA में क्या हो रहा है कि RNA अगेन वापस से वापस सिंथेसाइज हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। द नेक्स्ट इज योर क्यूराइल आइलैंड। आखिरकार कहाँ पर है क्यूराइल आइलैंड। देखिए, सी ऑफ ओखोत्स्क यहाँ पर है क्यूराइल आइलैंड। ये किसके बीच में विवादित द्वीप है, तो
वो है जापान और रशिया के बीच में, ठीक है, जापान और रशिया के बीच में इसको लेकर विवाद चल रहा है वर्तमान समय में। यह रशिया के पास है क्यूराइल आइलैंड, और ये कहाँ पर स्थित है, सी ऑफ ओकोत्स्क। द नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC, वर्ल्ड बैंक की संस्था है, आपको ये पता रहना चाहिए, मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के, वॉशिंगटन DC में। ये किस में इन्वेस्ट करती है, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, और साथ ही साथ जो डेवलपिंग या पुअर नेशंस हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगी। तो हो सकता है UPSC यहां पर बोल दे कि नॉन फॉर प्रॉफिट चीजों में इन्वेस्ट करती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, फॉर प्रॉफिट में इसका इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। द नेक्स्ट इज योर भारत नेट प्रोजेक्ट। आखिरकार क्या है ये भारत नेट प्रोजेक्ट, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ओरिजिनली 2011 में इसे बनाया गया था, तब उसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। 2015 में इसे इसका नाम परिवर्तित किया गया और तब इसे बोला गया भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है, रीनेम्ड इन 2015, यही चीज यहां पर बताई गई है। इसका एम क्या है, एम यह है कि जितने भी ग्राम पंचायत है हमारे देश में, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, उन्हें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जोड़ा जाए। तो दैट इज द एम ऑफ दिस भारत नेट प्रोजेक्ट। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। फंड कहां से आ रहा है, फंड इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दैट इज योर USOF। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ये आपके नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को फंडिंग प्रदान करता है, और कोलैबोरेशन तो दोनों ही सेंटर और स्टेट्स कोलैबोरेट करेंगे। हो सकता है UPSC बोलते केवल सेंटर का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स यहां पर कोलैबोरेट करते हैं। द नेक्स्ट इज योर रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। आखिरकार ये क्या चीज है रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसमें ज्यादा से ज्यादा फिशरीज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात की गई है, उसके अंतर्गत एक रिवर रैंचिंग प्रोग्राम को लेकर आया गया जिसमें एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने की बात कही गई है, कि एक्वाकल्चर यानी कि फिशरीज के प्रोडक्शन के तहत एक्वाकल्चर आता है, वही स्कीम रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के तहत लाई गई है। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इसका इंप्लीमेंटेशन करती है। तो हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी समझ देते हैं कि आखिरकार ये क्या है। देखिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के अंतर्गत इस प्रोग्राम को लेकर आया गया है, तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। फिश प्रोडक्शन का क्या टारगेट है कि 2024-25 तक 70 लाख टन तक फिशरीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, 70 लाख टन तक इंक्रीज करना है 2024-25 फिशरीज प्रोडक्शन को, और जो फिश एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से उसका क्या टारगेट है, 100,000 करोड़, 100,000 करोड़ बाय 2024-25। तो ये चीज कही गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, आपको ये सारी जानकारियां पता रहनी चाहिए, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आए या चाहे रिवर रैंचिंग प्रोग्राम से आए, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। द नेक्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल लेंसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आखिरकार क्या होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। देखिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है। इसमें यह बात कही जाती है कि अगर कोई बहुत ही दूर आकाशगंगा स्थित है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई गैलेक्सी स्थित है कहीं बहुत दूर जगह पर, और वहां से लाइट आ रही है, और अर्थ और उस गैलेक्सी के बीच में कोई एक मैसिव ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, मान लीजिए ब्लैक होल प्रेजेंट है, तो जब लाइट उस गैलेक्सी से अर्थ की तरफ आएगी, तो जब वो बीच में इस ब्लैक होल को क्रॉस करेगी, उसके कारण एक बेंडिंग आ जाएगी उस लाइट वेव में। तो यही चीज कही गई है ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अंतर्गत। तो इसका क्यों यूटिलाइजेशन होता है, साइंटिस्ट इसका यूटिलाइजेशन करते हैं डार्क मैटर की स्टडी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC ने इस साल के फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के मेंस पेपर में ये चीज पूछी थी कि आखिरकार डार्क मैटर को किस तरीके से ढूंढा जाता है, क्या मेथोडोलॉजी है, तो वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। साइंटिस्ट थ्रू ग्रेविटेशनल लेंसिंग पता लगाते हैं कि क्या डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में कितना प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो सारी चीजें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू होती है। द नेक्स्ट इज योर लूसी मिशन। लूसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा। कब लॉन्च किया गया, 2022। जुपिटर के जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें पता लगाने के लिए, उनकी स्टडी के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया गया। देन सोलर पावर्ड मिशन है,
और 12 साल लंबा मिशन है, 12 साल का ड्यूरेशन है। तो हाल ही में ये न्यूज आई थी 2022 के अंतर्गत कि लूसी मिशन में कुछ खराबी आ गई है। तो लॉन्च कब किया गया है 2022 में, किसके लिए लॉन्च किया गया? जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड को पता लगाने के लिए। तो ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स वैसे एस्टेरॉइड्स हैं जो कि जब हमारा सोलर सिस्टम जस्ट अपने डेवलपिंग स्टेज में था, एकदम अर्ली स्टेज में था, उस समय के मटेरियल से ये एस्टेरॉइड्स बने हैं। ठीक है, रेमिनेंट्स ऑफ द अर्ली एस्टेरॉइड सिस्टम। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि आखिरकार क्या चीज़ है लूसी मिशन। नेक्स्ट इज योर हीट वेव। हीट वेव देखिए, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने एक डेफिनेशन दी हुई है, अगर किसी भी क्षेत्र में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है इन द प्लेन्स एंड हिली रीजन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तापमान, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं हीट वेव्स। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कितना तापमान हिली रीजन में और कितना तापमान प्लेन रीजन में अगर एक्सीड होता है तो कब हीट वेव कहलाई जाएगी। देन द नेक्स्ट इज योर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी देखिए, कहाँ पर इन्फेक्शन होता है? लिवर में। इन्फेक्शन इन द लिवर किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। वैक्सीनेशन प्रेजेंट है? यस, वैक्सीनेशन इज देयर फॉर हेपेटाइटिस बी। तो ये बस आपको पता रहना चाहिए तीन इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे में आप आराम से आंसर को डिराइव कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। इसमें क्या चीज कही गई है? देखिए, इशूड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें पता रहनी चाहिए। किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? ग्रुप के अगेंस्ट तो इशू होता ही होता है, लेकिन कई बार ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। तो यूपीएससी हो सकता है पूछ ले कि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, केवल ग्रुप के अगेंस्ट होता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी। कितना ड्यूरेशन है? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करता है वो 2 महीने तक के लिए कर सकता है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकती है मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है, लेकिन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी। द नेक्स्ट इज योर आईआरईडी। क्या चीज है आईआरईडी? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये नई स्कीम लाई गई है, एक प्रकार का डेटाबेस है ताकि जो एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश में, उसका डेटाबेस बनाया जा सके और रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके थ्रू दिस डेटाबेस एनालिसिस। तो आईआरईडी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज योर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये हमने कल के करंट अफेयर्स में भी देखा था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए, ये तो हमें पता है कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, लेकिन गवर्निंग बॉडी कौन सी है? गवर्निंग बॉडी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको पता रहना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी बोल दे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसकी गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि हमें इतना पता है कि 100% गवर्नमेंट इक्विटी है, पूरी तरीके से सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ऐसे में लगेगा कि हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकती है, लेकिन नहीं, गवर्न बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब शुरुआत की गई थी? 2018 में। द नेक्स्ट इज योर LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आखिरकार क्या चीज होती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? देखिए, जो वर्किंग एज है यानी कि 15 साल से ऊपर के लोग जितने होते हैं वो सब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंतर्गत आते हैं, यदि वो काम में शामिल है, इधर दे आर इन द जॉब और दे आर फाइंडिंग अ जॉब, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। तो ये चीज होनी चाहिए, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर एम्प्लॉयड भी रहेंगे LFPR में और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड, और ऐसे अनएम्प्लॉयड जो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो LFPR में शामिल होते हैं। तो वर्ल्ड का डेटा हाल ही में रिलीज हुआ था कि नीचे गिर रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लगातार नीचे गिर रहा है, और वर्ल्ड में जो LFPR है वो 60% है, जबकि इंडिया का भी LFPR लगातार नीचे गिर रहा है और वो है 40% हो गया है 2021 में। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्ल्ड का कितना है, इंडिया का कितना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या चीज है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्या चीज करता है? एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स प्रमोट किया जा सके, और 1957 में इसे स्थापित किया गया था। हो सकता है यूपीएससी बोलते कि नहीं, 2015 में स्थापित किया गया, हाल ही में स्थापित किया गया आपकी ECGC को। तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, 1950 के दशक के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। एंड द नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड कोल एसोसिएशन। आखिरकार क्या चीज है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन? देखिए, एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में, और क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्लोबल कोल कम्युनिटी को। तो ये तो हमें यहां से भी पता चल सकता है कि कोल एसोसिएशन है यानी कि ग्लोबल कोल कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करेगी। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या ये गवर्नमेंटल
इंस्टीट्यूशन है या नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन? तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है और नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। यूपीएससी सबसे ज्यादा यहां पर कंफ्यूज करता है कि आखिर ये एक एनजीओ है या इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक एनजीओ है, आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग वर्ल्ड कोल एसोसिएशन। देन द नेक्स्ट इज योर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, किसने लाया है? देखिए, चाइना ने हाल ही में प्रपोजल दिया कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर आया जाए। किसके अगेंस्ट लेकर आया जाए? क्वाड के अगेंस्ट लेकर आया जाए। दैट्स वॉट इज द इंटेंशन ऑफ चाइना बिहाइंड ब्रिंगिंग ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। द नेक्स्ट इज योर एलसीआरडी, क्या है ये एलसीआरडी? लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें लेजर का यूटिलाइजेशन होता है। नासा का ये फर्स्ट लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है। कहां पर स्थापित किया जाएगा? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि अराउंड 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए एलसीआरडी। साथ ही साथ कुछ और चीज समझ लेते हैं, लेजर और रेडियो वेव्स। जनरली जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू करते हैं, लेकिन क्योंकि अब लेजर कम्युनिकेशन आने लगा है तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि लेजर और रेडियो वेव्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो लेजर होती है वो इंफ्रारेड यूज करती है, ठीक है, जो उसकी वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। तो ऐसे में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत हाई लेवल पर होता है, यानी कि हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम लोग लेजर यूज करते हैं। जबकि रेडियो वेव्स में क्या होता है? वेवलेंथ लंबी होगी, रेडियो वेव्स इस्तेमाल होगी। जबकि लेजर में क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल हो रही थी। रेडियो में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होगी, वेवलेंथ लंबी होगी, और ऐसे में जो आपका डेटा होता है वो कम जाता है, यानी कि लेस डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर लेजर एंड रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज योर आदिग्राम्स। आखिरकार ये आदिग्राम्स क्या है, किसने लॉन्च किया है? तो आदि किससे, कहाँ से डिराइव हो रहा है ये वर्ड? आदिवासी से, ठीक है। आदिवासी ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लेकर आया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इतना आपको पता रहना चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर आदिग्राम्स। द नेक्स्ट इज योर अनंगताल, कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में। किसने इस्टैब्लिश की थी? महाराजा अनंगपाल तोमर जी ने इसे इस्टैब्लिश किया था। एक लेक है ये अनंगताल। कब इस्टैब्लिश किया था? 1052 एडी में। तो ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर अनंगताल। देन द नेक्स्ट इज योर ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। देखिए, एक रिपोर्ट आई है, सिप्री एक इंस्टीट्यूशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनके द्वारा ये ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट लाई गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर ये एक आध बार क्वेश्चन ऐसे पूछ भी चुका है कि ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन निकालती है। तो सिप्री इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। देन इसमें ये बताया गया, इस रिपोर्ट में, हाल ही की जो रिपोर्ट आई थी 2022 में, कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इवन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स तो भी एनहेंस किया है, यानी कि जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उन्होंने ग्लोबल मिलिट्री पर जो स्पेंडिंग है वो बढ़ी है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो हमें ये लग सकता है कि कोरोना का टाइम था, युद्ध तो हुए ही नहीं है उस टाइम, तो मिलिट्री की स्पेंडिंग घटी होगी, लेकिन नहीं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा है 0.7%। डेटा ये था कि बाय 0.7% एनहेंस किया है। तो टॉप फाइव स्पेंडर्स है, उसमें जो फर्स्ट है वो यूएस है, इंडिया थर्ड नंबर पर आता है, आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। और एक और डेटा आपको ये पता रहना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की यदि कंबाइन हम बात करें तो इनका जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है या जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 52% को कंप्राइज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा आपके लिए कि आखिरकार कितना यूएस और चाइना के द्वारा कंबाइंड रूप में स्पेंड किया गया है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स, प्लीज कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1st to 5th of May 2022 में करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या टॉपिक्स हुए थे। प्रीलिम्स के लिए लगातार पढ़ते रहिए, बहुत ही नजदीक है एग्जामिनेशन डेट्स। 2023 प्रीलिम्स किसी भी हालत में हमें क्वालिफाई करना है। थैंक यू।